मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोल बाइकर। और दोस्तों आज मेरे साथ है एमओ इलेक्ट्रिक की जोंटी इलेक्ट्रिक स्कूटर। आज हम इस गाड़ी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है, क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट वीडियोस, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी और आप देख पाएंगे नए नए वीडियोस। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले हम बात करते हैं चाबी के बारे में। तो चाबी आपको जो है कुछ इस तरह की मिल जाती है, आपको लॉक अनलॉक और अलार्म और इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करने के लिए आपको जो स्विच देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसे लॉक करूँगा तो जो है कुछ एक बार आवाज़ आएगी, अनलॉक करूँगा तो दो बार आवाज़ आएगी और इसको दबाऊँगा तो ये जो है इस तरह की तीन चार बार आपको बेल साउंड करेगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। और जब इसको मैं अनलॉक कर दूँगा और इसको दबा देंगे हम तो ये जो है स्टार्ट हो जाती है और आप इसे चला सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चाबी आपको देखने मिल जाती है और चाबी में कुछ इस तरह के फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। दो आपको फिजिकल की मिलती हैं और दो आपको जो है स्मार्ट की देखने को मिल जाती हैं। तो अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो दोस्तों कुछ इस तरह का जो है आपको फ्रंट लुक दिखता है। लुक जो है अलग लोगों को, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है, वो एक पर्सनल मैटर हो जाता है। किसी को किस तरह के लुक्स पसंद होते हैं, किसी को किस तरह के लुक्स पसंद होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और ये फ्रंट का फेस कुछ इस तरह का है और इसके नीचे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर एमओ की ब्रांडिंग दी हुई है। इसके नीचे कुछ वेंट सा दिया हुआ है और ये एक थोड़ा सा गार्ड सा दिया हुआ है इसके लिए। ये एक एसेसरी पैक है जो कि आपको गाड़ी में मिल जाएगा। और ये आपको हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलती है जो कि एलईडी है और ये जो है एलईडी डीआरएल्स हैं। ये दिन में इतना विजिबल नहीं है, थोड़ा सा रात होती है तभी आपको जो विजिबल होते हैं। इसके नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक जो है काफ़ी सही क्वालिटी का है और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग हमें देता है। और इसके जो टायर्स हैं वो 10 इंचेस के हैं, तो रालको टायर्स हैं इसके अंदर, रालको ब्लास्टर। थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो रही है तो ये मत सोचना कि यार गंदी गाड़ी छूट करो, एक्चुअली बारिश का टाइम है, सब जगह पानी पानी हो रखा है। तो बस कुछ इस तरह से हम छूट कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर जो है कुछ स्पोर्ट पावर लिखा हुआ है इसके अंदर, तो कुछ केज के अंदर, मतलब केज का ये एसेसरी का पैक है, गार्ड वगैरह इसका, तो कुछ इस तरह की लुक आती है इसके अंदर। मैं पर्सनली एक्चुअली इन सब चीज़ों को प्रेफर नहीं करता, लेकिन जब गाड़ी गिरती है, इम्पेक्ट आता है ना, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ उसकी MID के बारे में तो यहाँ पर जो है आपको डिजिटल स्पीड देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है आपका गियर पोजीशन का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, मतलब गियर नहीं है एक्चुअली, राइडिंग मोड है 1-2-3। और यहाँ पर जो है आपको ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है आपको कितनी बैटरी है, बैटरी का इंडिकेटर आपको दिया हुआ है। और ये जैसे मैं इस ग्रीन वाले बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर जो है इंडिकेटर चेंज हो जाएगा, 1-2-3 इसमें जो है राइडिंग मोड्स दिए हुए हैं। और बात करें हम इसके ORVMs की तो इनका जो व्यू है वो भी काफ़ी सही है, काफ़ी बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। और रीच की बात करूं तो यहाँ के लिए रीच भी अच्छी है, रीच सही है, थोड़ा सा इंडिकेटर थोड़ा सा दूर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इधर की तरफ की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको हेडलैम्प को ऑन करने के लिए स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पर इस बटन एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, जब मैं चलाता हूँ तो इसको दबाने से भी कुछ होता नहीं है। इसमें लिखा है कि थोड़ा सा पावर इंक्रीज़ होता है, इस तरह का साइन है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे जो है आप राइडिंग मोड चेंज कर सकते हो 1-2-3। और ये जो है चाइल्ड लॉक है एक्चुअली, यहाँ पर इसको मैं दबाऊँगा इस वाले बटन को तो यहाँ पर जो है एक ब्रेक सिंबल आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरह का जो है ब्रेक सिंबल आ जाता है। तो जब ये ऑन होगा ना, ये वाला लॉक ऑन होगा, तब गाड़ी जो है कितना ही मैं एक्सेलरेशन कर लूँ आगे नहीं जाएगी। और एक और इसमें जो है सेफ्टी के लिए फीचर दिया हुआ है वो ये है कि इसका जो साइड स्टैंड में सेंसर इसमें दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको इस वाले चाइल्ड लॉक को ऑफ कर देता हूँ तो भी जो है अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो भी ये गाड़ी जो है आगे नहीं जाएगी मैं कितना एक्सेलरेशन कर दूँ। और जैसे ही मैं इसे हटाऊँगा तो ये आगे जाएगी बिल्कुल। यहाँ जो है आपको बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है, थोड़ा बहुत कपड़ा पड़ा रख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो है एक लगेज हुक दिया हुआ है कैरी करने के लिए सामान। और यहाँ पर जो है आपको एक USB का पॉइंट देखने को मिल जाता है जहाँ से आप जो है अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हो, कुछ इस तरह का आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर हम बात करें इसके नीचे की तरफ तो फ्लोर बोर्ड एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, सब जगह कीचड़ कीचड़ हो रखा है, कल रात को बारिश हुई, कल दिन भर बारिश हुई है। तो फ्लोर बोर्ड एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं आपको कुछ इस तरह से अगर नाप के बताऊँ तो ये लगभग इतना, मतलब आराम से सिलेंडर आ जाता है इसके ऊपर, ये मैं आपको बता देता हूँ। और
मैंने रख के नहीं देखा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आ जाएगा। और यहाँ पर जो है पीछे की तरफ हम नज़र डालें तो यहाँ पर जोंटी की आपको स्टिकर देखने को मिलता है, और यहाँ पावरफुल का एक स्टिकर दिखा हुआ है। एमओ के इसमें जो है सीट कवर पे ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पर। और ग्रेबरेल जो है काफ़ी बड़ी हैं, और सीट जो है एनफ है दो लोगों के लिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। पीछे की तरफ भी जो है आपको इसमें एक गार्ड दिया हुआ है इसको स्टेनलेस स्टील का, और ये जो है आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है, मैंने पानी में भी इसको चला कर देखा है बारिश में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन कुछ इस तरह के देखने को आपको मिल जाते हैं, और इसमें भी रालको ब्लास्टर के 10 इंच के टायर हमें दिए हुए हैं। और पीछे की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की बल्ब में आपको यह टेल लैंप देखने को मिल जाती है, उसके पास जो है यहाँ पर इंडिकेटर है जो कि बल्ब में है, और नीचे आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और इसमें नंबर प्लेट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है एमओ की नंबर प्लेट जैसा, मतलब एक्चुअली ये प्रमोशन जैसा होता है तो वो दिया हुआ है। साइड में भी जो है आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और पीछे जो मडगार्ड है वो भी काफ़ी सही है, पीछे कीचड़ उछल के आपके ऊपर नहीं आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि पीछे से पानी और कीचड़ उछल के आप ही के ऊपर आता है। तो अब हम बात करें इसके स्टोरेज स्पेस की, तो आपको सबसे पहला तो यही है बोतल के लिए यहाँ पर जगह मिल जाती है, और जो दूसरा स्टोरेज स्पेस है वो ये है कि आपको बूट जो है यहीं से ओपन हो जाता है, लेफ़्ट घुमाते हैं तो बूट आपको बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसमें जो बैटरी है उसका कंपार्टमेंट है, बैटरी थोड़ी बड़ी है इसकी। जो है इसकी बैटरी मैं आपको बता दूँ 35 AH की बैटरी है, 62.9 वोल्ट 35 AH की बैटरी इसमें लगी हुई लिथियम आयन बैटरी है, और ये हमें रेंज देती है 90 किलोमीटर्स की। थर्ड वाले मोड में 90 किलोमीटर तो नहीं चल पाएगी, लेकिन हाँ फर्स्ट मोड में चलाएंगे तो 90 किलोमीटर चल जाएगी। थर्ड में आपको जो है 70 के आसपास रेंज मिलने वाली है थर्ड वाले मोड में चलाते हो तो। तो अब बात कर लेते हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जो मुझे इस गाड़ी में अच्छे लगे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसका सस्पेंशन जो है मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब सिंगल हो या डबल हो, बारिश का मौसम हो या मतलब छोटे मोटे गड्ढे हों, उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ये। अगले अच्छे पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट जो अच्छा पॉइंट मुझे इसमें लगा वो है इसकी ब्रेकिंग, जो क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। स्टॉपिंग पावर जो है सही है, मतलब क्योंकि स्टॉपिंग पावर जो है गाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो भी इसमें बेहतर है, तो ये जो एक इसका अच्छा पॉइंट है। अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें जो कि मुझे इसमें अच्छा लगा वो है इसकी पावर, मतलब डिफरेंट एक तो राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, तो फर्स्ट मोड में ये जाती है 30, 31, 32 तक चली जाती है कभी कभी जब चार्जिंग फुल होती है तो, और सेकंड में ये लगभग जाती है 39, 40 तक, और थर्ड मोड में चली जाती है 47, 48 तक ये चली जाती है, कभी कभी 46 चार्ज ज़्यादा होता है ना तो ये 48 तक चली जाती है, और चार्ज कम होता है तो 46, 44 पे भी आ जाती है। तो कुछ इस तरह का मैंने नोटिस किया है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो फुल चार्ज होती है ना जब, तब तो 48 तक आ जाती है, वरना जनरली इसकी टॉप स्पीड जो 45 के अराउंड रहती रहती है। तो इसकी मुझे जो स्पीड भी काफ़ी अच्छी लगी है, अगर आप ओवरटेक वगैरह करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो अगला जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो है इसका इनिशियल पिकअप इसका जो काफ़ी अच्छा है, ख़राब रास्तों में भी जो है काफ़ी बेहतर तरीके से चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कहीं फंस जाती है तो निकल जाती है, तो मुझे ये बात इसकी जो है काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, इसकी एक और अच्छी बात बताऊँ तो इसके जो रेंज है वो 90 किलोमीटर की ये बताते हैं, और फर्स्ट मोड में जो है ये आपको 90 किलोमीटर की रेंज दे देगी, लेकिन थर्ड मोड में आपको 90 किलोमीटर की रेंज नहीं मिलने वाली है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो पॉइंट अच्छा लगा मुझे वो इसके हेडलाइट के इल्यूमिनेशन, क्योंकि LED हेडलाइट है तो इसका जो सिटी में इल्यूमिनेशन है मैंने चेक किया काफ़ी अच्छा था, नॉर्मली काफ़ी अच्छा स्प्रेड हो रहा था, और काफ़ी जो जितना डिस्टेंस हमें देखना है इसकी स्पीड के हिसाब से वो काफ़ी अप्रोप्रिएट था, ऐसा नहीं है कि कम था। तो अगला जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो है इसका जो फ्लोर बोर्ड एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो इस पर हम काफ़ी सारा सामान भी लेके ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी में, क्योंकि स्टोरेज स्पेस जो है सिटी में हम सामान वामान लेते हैं तो बैग जो है आगे रख दिया, तो इस तरह से जो ट्रेवल करते हैं हम लोग सिटी में, सामान वामान घर के ग्रोसरीज वगैरह खरीद ली तो जो है रखने में ईजी रहता है। तो ये तो थे कुछ अच्छे पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे, और अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो मुझे ठीक नहीं लगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो सीट है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी छोटी है, ओब्वियसली छोटी इसलिए है क्योंकि इसको शॉर्ट राइड के लिए बनाया गया है, कोई लंबी राइड के लिए नहीं बनाया गया है, तो आप छोटी छोटी राइड्स के लिए तो कम्फर्टेबल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट जैसे आप दिन भर में 40-50 किलोमीटर कवर करना चाहते हो तो इसकी तो मुझे ठीक नहीं लगी। अगला जो पॉइंट मुझे ठीक नहीं लगा वो ये है कि इसके जो 10 इंचेस के टायर है ना वो थोड़े से छोटे लगते हैं, मतलब इस गाड़ी का शेप जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है, तो उस हिसाब से जो है टायर थोड़े छोटे लगते हैं। अगर इसमें 12 इंचेस के टायर होते हैं तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन 10 इंचेस के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बॉडी के हिसाब से थोड़े से छोटे लगते हैं ये।
तो जो पुरानी लोकेशन थी वहाँ पर जो है बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रूरल एरिया का फील ले लेते हैं। तो यहाँ पीछे तालाब वगैरह है छोटा सा, तो यहाँ पर हम शूट कर लेते हैं। इसका बूट स्पेस मतलब यार बैटरी बड़ी होने की वजह से क्या है, बूट स्पेस बहुत कम है इसके अंदर। थोड़ा सा ही आप छोटा सा बैग रख सकते हो या थोड़ा बहुत सामान वामान रख सकते हो, तो मुझे वो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि प्रैक्टिकल स्कूटर क्या होता है, प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकलिटी मीन्स स्टोरेज स्पेस होना चाहिए उसके अंदर। तो स्टोरेज स्पेस के अंदर ये थोड़ा सा आपको माइनस पॉइंट लगेगा कि इसका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। हालांकि फ्लोर बोर्ड एरिया काफ़ी अच्छा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों मेरे साथ हैं अभी धर्मराज जी और ये यहाँ एमओ इलेक्ट्रिक टॉम डीलरशिप के जो है मैनेजर हैं, सारा यही संभालते हैं। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसकी प्राइसिंग के बारे में, सर इसका प्राइस कितना है? जो टीम तीन वेरियंट है, पहला जो वेरियंट है वो है 61,175 रुपये की उसकी प्राइस है। इसकी जो रेंज है 80 किलोमीटर है। जो 61,000 वाला वेरिएंट है वो लिथियम आयन में है? नहीं, ये लेड एसिड बैटरी है। जो 61,000 वाला मॉडल है जोंटी का, वो है लेड एसिड में है, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है, कंपनी 80 किलोमीटर बताती है। और जो लिथियम आयन में जो हम चला रहे थे उसकी क्या प्राइसिंग है? आप जो गाड़ी चला रहे थे, आपने जो गाड़ी देखी है, हमारे तीनों वेरियंट का बाहर से मॉडल सेम है, अंदर से बैटरी का फर्क है। आप जो गाड़ी आपने देखी है वो लिथियम आयन के अंदर है और इसकी जो रेंज है 90 से 100 किलोमीटर के बीच में आती है। और प्राइसिंग कितनी है? और इसकी जो प्राइस है वो 93,500 रुपये इसकी प्राइस। तो जिस गाड़ी का वीडियो आपने देखा है लिथियम आयन मॉडल में, जो बैटरी बड़ी है जिसमें रेंज जो है आपको 90 से 100 किलोमीटर मिल जाती है कंपनी के अकॉर्डिंग, उसका जो प्राइस है वो 93,500 रुपीज़ है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जो है डिस्प्ले में शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन भी में भी मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो 93,500 रुपीज़ का जो प्राइस है, इसमें जो है एसेसरीज आपको मिल जाती है, जैसे कि जो गार्ड वगैरह जो मैंने आप वीडियो में आपने देखा होगा, एक गार्ड जो है लगा हुआ था बॉडी के आसपास, वो आपको मिल जाएगा। बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं धर्मराज जी को, इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन में सर ये है कि सर्विस जो है, सर्विस क्या अवेलेबल है अपने यहाँ पर? सर्विस में हमारे शुरुआत की बहुत सर्विस फ्री रहती है, शुरुआत की बहुत सर्विस फ्री है, 500 किलोमीटर है, 1500 रुपये। तो पहली सर्विस जो है 500 किलोमीटर पर है और दूसरी सर्विस जो है 1500 किलोमीटर पर है। तो सर इसमें फ्री सर्विस दो ही तीन है, तीसरी पेड होती है, चौथी फ्री होती है। थर्ड सर्विस जो है वो पेड है और चौथी फ्री है, तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे, वरना जनरली फर्स्ट की थ्री सर्विस जो है फ्री आती है। हाँ, उसका फिर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके हिसाब से जो आप बात कर लीजिएगा, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा इनको। तो इस तरह का ये वीडियो था, मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर गाड़ी लेने के लिए और हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ट, जय हिंद, जय भारत।